चलिए समाज में ध्यान दीजिएगा, आज जो है आपका 15वां चैप्टर प्रायिकता शुरू हो रहा है। ठीक है, प्रायिकता जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस चैप्टर का मतलब थोड़ा समझना चाहे तो कोई भी जिसे खेला होता है, ठीक ना, इस चैप्टर का अर्थ नाम कहती है प्रायिकता है ना, इसका मतलब हम लोग अपना भाषा में समझ सकते हैं कोई घटना होने का जो है क्या संभावना है, यानी बोल सकते हैं चांस अपना भाषा में। ठीक ना, इसे मान लो अब सिक्का उछाला, अब सिक्का उछाला था हेडे आएगा कि टेल आएगा, इसका क्या संभावना है। ठीक ना, चाहे क्रिकेट खेल रहा है जीतेगा या हारेगा इसका क्या संभावना है, कोई भी काम कर रहा है उसका क्या क्या संभावना है। ठीक ना, तो संभावना के बारे में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्रिकेट यदि देखता होगा, ठीक ना, तो उसमें देखता है ग्राफ टाइप के आए, तो ग्राफ जो है आपको मैथ्स में पढ़ना ही है। ठीक ना, साथ में उसमें वो संभावना भी है, आदमी लगाता है कि हाँ भाई हो सकता है इंडिया जीत जाए, हो सकता है इंडिया न जीते, है ना, तो संभावना की बात हुआ कि नहीं। तो ये संभावना के बारे में जो इसमें अध्ययन बेसिकली करना है, समझिएगा। ज्यादा हम लोग थ्योरी के अंदर जाएंगे नहीं, जो जो एग्जाम से ओरिएंटेड चीज होगा उसी को हम लोग समझेंगे। तो फॉर्मूला आपका है पीई, ठीक ना, पीई का मतलब है इवेंट, कथी इवेंट, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, तो क्या होगा भाई, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, इसी को शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं एनई, और इसको लिख सकते हैं एनएस। ठीक ना, तो पीई बराबर कथी होगा एनई बटा में एनएस। एनई क्या होगा, जो भी घटना होगा जिस घटना की चर्चा करेगा से, एनएस क्या होगा टोटल घटना, यानी एनई बोले तो नंबर ऑफ इवेंट, एनएस बोले तो नंबर ऑफ कथी सम, यानी टोटल, एस का मतलब सम, सम का मतलब कथी होता है योग होता है, तो टोटल घटना को नीचे लिखेंगे और जिस घटना का बात करेगा उसको ऊपर। जैसे बोलेगा एगो ताश की गड्डी है, ठीक ना, उसमें से इक्का निकाला जाता है, कथी निकाला जाता है इक्का, तो एगो ताश की गड्डी में खाली इक्का तो नहीं ना होता है, आर भी पत्ती होता है, तो टोटल पत्ती को नीचे रखेंगे इक्का जिसका चर्चा किया उसको ऊपर। ठीक है भाई, चलो फिर उसी तरह से सिक्का उछालोगे, कथी उछालोगे तो बोलेगा हेड आने की प्रायिकता, तो सिक्का उछालोगे या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, तो घटना एगो सिक्का को एक बार उछालोगे तो हेड या टेल आएगा, तो संभावना क्या होगा दो, या तो हेड या टेल, लेकिन पूछेगा हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता बोलते हेड ऊपर, घटना क्या होगा टोटल दो, उसको नीचे, एक बटा कितना हो जाएगा दो, समझाया कुछ। हाँ, यानी इसको हम अपना भाषा में बोलते हैं कथी घटना बटा दल घटना। ठीक ना, एंड टोटल घटना ऊपर से पूरा जो भी है उसको नीचे लिख दो। ठीक है, आइए कुछ और भी बात है, जैसे पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना है, पी का मतलब कथी होगा घटना होने की प्रायिकता। ठीक ना, यानी कयो घटना घट रहा है से, घटना नहीं होने की प्रायिकता, पीई डैश का मतलब कथी घटना नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है ना, चलो तो घटना होने घटना न होने की प्रायिकता पूछे था, उस दोनों का योग कितना होता है एक। ठीक ना, प्रायिकता का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, तो इसका मतलब है प्रायिकता का वैल्यू क्या होगा, जीरो से जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, एक के बराबर या एक से छोटा, यानी कह सकते हैं जीरो हो सकता है ना, और एक हो सकता है या इसके बीच का ही वैल्यू होगा। क्या जीरो के नीचे आएगा वैल्यू, यानी माइनस वाला होगा प्रायिकता का मान, नहीं होगा, एक दशमलव पांच होगा इसका वैल्यू, यानी एक से बड़ा भी नहीं हुआ और जीरो से नीचे का भी मान नहीं होगा। ठीक है ना, तो एक सिंपल सी बात हम पूछना चाहे थोड़ा सा बताओ तो, कि दो, ठीक ना, एक ऑप्शन ए है, दो एक, ठीक है ना, एक ले लो कथी में बी में, सी में ले लो कितना माइनस एक, डी में ले लो कथी जीरो, जीरो नहीं, जीरो दशमलव पांच। ठीक है ना, तो बताइए इसमें कौन कौन घटना है, ये वाला घटना है, ये वाला घटना है नहीं है, क्योंकि वैल्यू जीरो और एक के बीच में होना चाहिए, ये घटना नहीं है, ये घटना है, ये घटना एक बीच जीरो से छोटा हो गया, सही नहीं है, ये घटना है जीरो एक के बीच में, आधा तो जीरो एक के बीच में ना होगा। हाँ, तो इसी तरह से समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब निश्चित घटना की प्रायिकता, यानी निश्चित पक्का कोई घटना सच्ची में घटता है तो उसका प्रायिकता पूछेगा, तो निश्चित घटना की प्रायिकता या संभव घटना की प्रायिकता पूछे तो कितना होगा। ठीक है, अनिश्चित या असंभव, अनिश्चित या असंभव, जिसे पासा जनता छक्का लीडो खेलता है ना, उस तरह पासा, पासा में बोले सात आने की प्रायिकता, पासा में कहां तक अंक रहता है छह, बोले सात आने की प्रायिकता, निश्चित बात है, और निश्चित यानी असंभव, ऐसा घटना हो ही नहीं सकता, इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे देखो, ताश से संबंधित कुछ बात है जो जानकारी होना चाहिए सबको। ठीक है ना, ताश में 52 को पत्ती होता है, क्या वो पत्ती होता है 52 को पत्ती होता है, बाकी सिक्का के बारे में भी चर्चा करेंगे, पासा के बारे में भी अभी और चर्चा करेंगे, पहले ताश के बारे में समझिए, ताश में क्या वो पत्ती होता है 52।
छह गो लाल होता है, छह गो काला होता है, तो छह गो लाल पत्ता, छह गो काला पत्ता, और लाल पत्ता में भी दो गो पत्ता होगा, काला पत्ता में भी क्या गो पत्ता होगा, दो गो पत्ता, लाल पत्ता, हाँ बावन बोला गया है क्या, छो नहीं छब्बीस को, ये जहाँ लिखा है छब्बीस छब्बीस को, लाल पत्ता छब्बीस को है, काला पत्ता छब्बीस को, और लाल पत्ता में देखिए दो तरह के पत्ता होगा, बना ले आकृति, इसको बोलेंगे जैसे पान लिखा होगा उसको लाल पान बोलेंगे, लाल कलर का होगा, ठीक ना, और ये बर्फी लिखा होगा उसको ईट बोलेंगे, कैसे बोलेंगे ईट, तो छब्बीस को था दोनों बट गया तो तेरह तेरह को हो गया, ठीक है आइए फिर काला पत्ता में ठीक उसी तरह से क्या होगा, एगो तो ऐसे होगा और ऐसे काला हो गया तो काला पान, और इस तरह से फूल जैसा होगा उसको बोलेंगे हम लोग चिड़िया, कैसे बोलेंगे चिड़िया, अब छब्बीस को था फिर दुगो में बट गया था तेरह तेरह को बट गया, ओके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब चलो तो पान वाला पत्ता क्या होगा बता दो टोटल, ईट पत्ता कै होगा तेरह गो, ठीक है चिड़िया पत्ता कै होगा तेरह गो, समझ में आ रहा है ना, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब देखो यहाँ पे बादशाह केस लिखा लगता है, बादशाह कथी से केस, सबको पता होना चाहिए केस लिखा लेगा, ये जे से लिखा लेगा और ये क्यू से, ठीक ना, केस लिखा लेगा उसको बादशाह बोलते हैं, जे से जिसको गुलाम बोलते हैं, क्यू से जिसको बीबी रानी या कुछ बोलते हैं, चलो जो भी है इतना हम लोग जान गए, उसके बाद बादशाह चार गो, सब पति चार चार गो, इतना ध्यान रखना है, सब पति अंक वाला सब, बादशाह चार गो, गुलाम चार गो, बीबी चार गो, ठीक ना, क्या हो गया बारह, और एक से लेकर दस तक अंक पति में रहता है, एक को इक्का बोलते हैं, इक्का दो को दुग्गी है ना, ऐसी तक दहला तक रहेगा पति, कहाँ तक रहेगा, तो एक पति चार गो है ना, एक तरह का पति चार गो, दस गो दस का चालीस गो, तो हो गया अंक वाला पति का हो गया चालीस गो, लिख रहा भाई चौदह लिखा गया चालीस गो, और बारह गो ही तो कितना हो गया टोटल बावन हो गया ना, तो टोटल पति पूछे था इक्का का गो चार गो, दुग्गी धाला चार गो, समझ में आ रहा है ना, हाँ जिसको गुलाम का गो चार गो, बादशाह ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे समझिए आपसे फिर पूछेगा क्या थी लिख लिया ना सब, अब आपसे पूछेगा बताइए हमको कि एक सिक्का को एक बार उछालिएगा, एक सिक्का को क्या बार एक बार उछालिएगा तो क्या परिणाम होगा, तंगा समझ लेते हैं, ठीक ना, जब सिक्का को क्या बार उछाला जाए एक है ना, चलो समझ लेते हैं सब कुछ बेसिक पॉइंट है, एक सिक्का को एक बार उछालने पर संभावित कथी है संभावित परिणाम क्या हो सकता है, समझिए इसको हम लोग ना ये मझला ब्रैकेट में लिखते हैं, तो सिक्का को उछलेगा या तो कथी आएगा टेल, या कथी आएगा टेल, चलिए ठीक ना, दो नंबर में दो सिक्का को उछालेंगे, दो सिक्का को ठीक ना, अब सब लिख रहे हैं ठीक है, एक और भाषा पूरा लिख दें, दो सिक्का को उछालने उछालने पर संभावित परिणाम, समझ आ गए, चलो दो सिक्का को उछालेंगे, सिक्का किस पास जेब में नहीं है, एगो तो है मेरे पास, ठीक है रहने दो कोई दिक्कत नहीं, चलो एगो हाथ में ए में सिक्का, एगो में ए में है सिक्का, ठीक ना, एगो इसको भी उछाले इसको भी उछाले, मान लो कि एहो पर हेड तो दोनों पर हेड हेड आ गए, ठीक है ना, हेड हेड ठीक है, चलो अब फिर उछाले दोनों पर कथी आ गया टेल टेल आ गया, ठीक है ना, फिर उछाले तो इस पे हेड है, इस पे टेल, ऊपर कथी आ गया हेड है ऊपर फिर उछाले तो इस पे टेल है इस पे हेड आ गया, तो जब दो सिक्का को उछालेंगे दो सिक्का को एक बार उछालो चाहे एक सिक्का को दो बार उछालो बात कथी है सेम है, समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट, दो को सिक्का को एक बार उछालो चाहे एक सिक्का को दो बार उछालो बात दोनों सेम है ना, चलो क्या परिणाम आएगा, चार गो है क्या परिणाम आएगा, ठीक ना, सिंपल सी बात है ध्यान रखना ही सर हो गया, चलो अब पासा के बारे में समझे थोड़ा, तीन को अच्छा तीन को सिक्का बोलेगा तो तीनों को ऐसे समझना जैसे ही समझा ना वैसे उसको भी समझना, तीन तक नहीं जाएगा तुम्हें, तीन तक तुम्हें नहीं जाएगा लेकिन जाता है तो समझना जैसे ही समझा, ठीक है ना, चलो छह को नहीं हुआ, जब भी एक चीज बता देते तरीका उसको बनाने का क्या है उसका स्क्वायर कर दो, जब वो बोला है ना जब उछला है उतना स्क्वायर कर दो, जैसे दो बार बोला था दुका स्क्वायर ठीक ना, दुका स्क्वायर कर दो कितना हो गया चार हो गया है ना, तीन बार उछाल लेगा तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सीखते हैं हम लोग कथी को पासा को, एक
पासा को उछालने, ठीक है ना, कि पासा को हम लोग उछालेंगे तो क्या क्या संभावित परिणाम हो सकता है, समझिए। उछालोगे ना, एक भी आ सकता है ना भाई, या कथी आ सकता है, या तीन आ सकता है, या कथी आ सकता है, या या कथी और कुछ आएगा, टोटल परिणाम क्या होगा, छह से ज्यादा तो नहीं होगा, समझा गया ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब एक पासा को ठीक ना एक बार उछाल लेता था, एक परिणाम आ सकता है, दो बार उछालने की बात करेगा तो देख छ नहीं होगा, 36 हो जाएगा, कई हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उतना हम नहीं जाएंगे, इतने ही पढ़ा जाओ, ठीक है ना, चलो बढ़े, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब इससे संबंधित तुमको सम विषम भाज्य अभाज्य सब चीज आना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। इसे पूछेगा एक सिक्का को उछालने पर, सॉरी एक पासा को उछालने पर ठीक ना सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो इसमें सम कौन है पहले चिन्ह, सम कौन है, दो है, चार है, एक सिक्का को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अभाज्य, अभाज्य कौन है, दो तीन पांच, समझा रहा है ना। एक सिक्का को उछालने पर भाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए, भाज्य कौन है, भाज्य चार, एक नहीं है, एक ना भाज्य ना अभाज्य, समझ आ रहा है पॉइंट। चलो अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, आइए एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो जरूरी होगा वही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए निकालिए समाज में एक्सरसाइज फटाफट, चलिए एक्सरसाइज तंग करने के बाद देखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव गेस से देखिए, तो कुछ निकलेगा गेस से पेज कितना 50। और भाई पहला ही प्रश्न है, ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पी डैश का मान होगा, बताइए। तो अभी फॉर्मूला है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, एक तो होगा 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, ऑप्शन सी -7 नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, बताइए। ऑप्शन ए, सबको समझ में आ रहा है सबको, निम्न में किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, नहीं होने वाला, बताइए कौन होगा, माइनस वाला दे लेते उसको पहले ही चीन लेना है ना, हो तो भाई किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, -1 ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, -15 जहाँ मिल रहा है वहाँ कुछ बनाने में नहीं जाएगा, जहाँ कंफ्यूजन होगा तब वहाँ पे बना बना के चेक करेंगे, जिससे आएगा तो हम बताएंगे वो सब क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 7 नंबर, हाँ। 7 नंबर कैमरा ऑन है रे, ऑन है, 7 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बताइए। अब यहाँ पे तो 3.5 यहाँ मिल गया तो डायरेक्ट ठीक है, नहीं मिल जाता सबको चेक करते, ठीक है ना। चलो एक पासा फेंक, अच्छा इस क्वेश्चन पे तंका सब चर्चा करना चाहेंगे, जैसे ये तो आंसर आ गया है, ठीक है आंसर आ गया है तो अच्छी बात है, 3.5 कितना है, 5 है ऑप्शन में, फिर ऑप्शन बी कितना भाई, 0.2, ऑप्शन 0.3 डी में है, कोई क्या कई से तंका समझाइए ना हमको। तो भाई ये तो क्लियर है कि प्रायिकता का मान जो होता है 0 और कितना 1 के बीच में होता है, तो ये तो उससे बाहर है, 0 से बाहर है, बहुत बाहर है, तो इसलिए आंसर इसका तो यही होगा, ये क्यों नहीं हुआ कारण जानते हो, ये भी जानते हो, लेकिन इसका जो लेगा कंफ्यूजन होता है, परसेंटेज का मतलब 1/100 या एक बोल सकते परसेंटेज मतलब 1/100 आना था, 100 से भाग दीजिए, बात दोनों सेम है, 100 से भाग दीजिए, भाग देना बताया था कि 0 गिन के दशमलव बैठा दो, ठीक ना, 1 2 कई बात दशमलव, 2 बात दशमलव दिए थे कभी ना आया ना, दशमलव के बाद बोला 0 ना, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे किया, 6 को 10 से भाग दो तो 1 अंक है 0, दशमलव गिन के बेटा 6 के बाद जी दशमलव हो गया, दशमलव में आ गया ना, 0-1 के बीच में ना होगा, इसलिए आपका ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यही समझ में आ गया ना। तो परसेंटेज वाला क्या होगा, देगा तो आप भाग कर लीजिएगा जब कंफ्यूजन होगा तो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से हटे चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन और आएगा, पहले हम लोग एक्सरसाइज में देख लेते हैं फिर आएंगे इस पे, ठीक ना। निकाले एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में पहला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप के हो है, खाली स्थान वाला है, ठीक है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा, अरे घटना हो कथी, घटना होने घटना न होने की प्रायिकता कथी होगा, 1 ना होगा, तो 0 कौन बोला है भाई, कहाँ ध्यान है, अनिश्चित कहाँ है, चलो 2 नंबर देखो 1 के 2, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, 0
और ऐसी घटना कहलाती है अनिश्चित घटना, है ना। चलो भाई एक्सरसाइज के प्रश्न, एक्सरसाइज कितना है 15 एक्सरसाइज, ठीक ना। अब देखिएगा एक का एक क्या हो गया भाई, क्वेश्चन था एक हो गया ऑप्शन में, एक का दो में क्या होगा जीरो, और ऐसे घटना को कौन सी बोलते हैं अनिश्चित, अनिश्चित या असंभव, है ना, ठीक है ना। अगला क्या भाई, तीन नंबर, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है तो कथी होगा एक के तीन निश्चित है, कथी पूछा था निश्चित है डैश है, ऐसी घटना क्या कराती है निश्चित होने की घटना एक कराती है निश्चित घटना, निश्चित निश्चित या संभावित घटना, ठीक है ना। चलो अगला क्या भाई, तीन नंबर हो गया चार, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है एक, बताए है ना एक का चार एक होगा। चलो भाई एक का पांच किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी और इसके बराबर होती है तो जीरो से, जीरो से बड़ी और फिर बोला था ना तथा डैश के बराबर तो एक के बराबर, छोटी हाँ छोटी और बराबर होती है, ठीक है। चलो दो नंबर क्वेश्चन आपने काम का है नहीं, तीन नंबर भी नहीं, चार नंबर क्वेश्चन देखिए। अब चार नंबर देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी, चार नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, बताइए भाई नहीं हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, माइनस 1.5 है कि ना। चलिए ठीक है ये हो भी करेगा, चलिए तो ऑप्शन चार के कौन सा आंसर होगा आपका बी, बी आपका आंसर हो गया, कितना था बी में माइनस 1.5 तो कितना इजी में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, बनाए पांच को बोला है कि यदि पी कितना दिले हुआ, पी दिले है आपको 0.05 है, अच्छा अच्छा 0.5 और बाद में बोला है तो ई डैश नहीं है भाई, ई डैश ये ना पूछा, तो हम लोग क्या पढ़े घटना होने और घटना न होने की प्रायिकता कितना एक, तो जो दे दिया है उसको दे देंगे, रखो भाई यहाँ पे 0.05 कितना 0.5 प्लस पीई डैश ऐसी ना बराबर कितना एक, जो निकालना है इसको इधर ही रखने रहने दो, है ना, और एक में से इसको घटा देंगे, है घटाइएगा तो देखिए दशमलव के बाद दो को है ना, दशमलव के बाद दो को कर लीजिए ताकि आसानी हो घटाने में, और घटी प्लस में जाके 0.05 कितना 0.5 घटाइएगा बुआ तो देखिए 10 में से 5 के लिए कितना 5, 9 बच गए 9 में से 0 9 है भाई, फिर यहाँ पे कर दूंगा देखो 10 में से 5 के लिए 5 और क्या हुआ 9, 9 में से 0 लेते 9 एक बाद 10 समय तो खत्म हो गया, देखिए कितना हो गया 0.95 बोले कोई दिक्कत, चलिए इसको उतारिए तो फिर आगे बढ़ रहे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना 6 देखो रे बुआ कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली एक नंबर 6 क्वेश्चन समझा कि एक वो थैला मतलब पन्नी बॉय, ठीक ना, तो वो में केवल नींबू की महक वाला मीठी गोली है, समझा नींबू के महक देवे वाला मीठा गोली होगी, तो इसका क्या प्रायिकता है यानी मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से गोली ऐसे निकालता है थैला में से गोली निकाला है ना, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली ठीक ना संतरे की महक वाली होगी, है नींबू के महक संतरे के महक आएगा भाई, तो घटना का अनिश्चित है ना, इसका आंसर क्या आएगा समझ में आ गया ना, समझ में आया कि ना, नींबू की महक वाली गोलियां है तो बात सही बोला है, नींबू के था तो नींबू के ना महक वाला होगा तो ये सही बात है, तो इसका आंसर क्या देगा यानी निश्चित का एक और निश्चित का जीरो, बोलो कोई दिक्कत। चलो आयो सात नंबर पे चर्चा करो, सात बोला है कि यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है, इसे क्या प्रायिकता है कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है ना, क्वेश्चन हटा दो कोई दिक्कत नहीं, अगला देखो सात नंबर छोड़ दो, आठ नंबर क्वेश्चन देखो, तुमसे एकदम इजी क्वेश्चन पूछेगा, इसे इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, इसका क्वेश्चन आएगा, एक थैले में कितना
तीन लाल पांच काली गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद को यादिशा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो? क्वेश्चन को समझा सब? ये वो जो है कथी है, एक थैला जिसमें तीन गो लाल है और पांच गो कथी है काला, और यादिश मतलब बेगर देखे अचानक ऐसे हाथ डाला और निकाल दिया, ठीक ना? तो लिखेंगे सबसे पहले है ना, लाल गेंदों की संख्या कथी के, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितना भाई? तीन। फिर कथी काली, हाँ। काली गेंदों की संख्या, गेंदों की कितना? पांच। अच्छा एक चीज आओ, हॉल वगैरह थोड़ा लिख के बनाना, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में पूछ रहे कितना बड़ा ही आठ हो गया ना। लाल गेंदों की संख्या तीन है, काली गेंदों की संख्या कितना? पांच। एक नंबर में क्या पूछा बताइए? लाल होगा, लाल हो, गेंद कथी हो? लाल है ना, तो गेंद कथी हो? लाल हो, गेंद कथी हो? लाल, गेंद लाल हो। देख फॉर्मूला पर बनाए तो पी रख दो, पी और ई डायरेक्ट निकालो, कथी गेंद लाल हो। तो टोटल देखो गेंद कथी पूछा? लाल ना, लाल। जो पूछेगा ऊपर और टोटल नीचे, तो गेंद लाल हो, लाल कितने हैं? लाल का गो है तीन गो है ना, समझा? तो फॉर्मूला से बनाओगे तो इसको लिखोगे एन ई बटा एन एस, ऐसा लिखने जाओगे ना, तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है? डायरेक्ट लिख दे, चलो एगो बना के लिख देते हैं, एगो मात्र बाकी सबको डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना? गेंद कथी हो? लाल होता है, लाल का गो तीन गो, टोटल का गो पांच, टोटल पांच गो, आठ गो, तुम लोग गेंद को जोड़ देंगे भाई, थैला में है ना, पूरा थैला गेंद जोड़ दो, कितना हो गया? आठ हो गया। दो नंबर क्या है भाई? काली हो, काली हो ना, इसका निकालेंगे तो काली हो, काली हो तो कथी होगा? भाषा लिख दिया थोड़ा, लाल नहीं हो, अच्छा काली लाल हो ना, लाल हो, ठीक है ना, लाल नहीं, लाल नहीं, लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो तो काली तो हो सकता है ना भाई, तो कै गो? पांच, अब बटा में कितना? समझा? लाल नहीं हो बराबर कथी? पांच बटा में आठ। तुम चाहे तो अभी जो लिख लेते ना, पी बराबर कथी एन ई बटा में कथी एन एस, वो भी रख के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाओ तो ऐसे बनाओ, ठीक है? बोलेगा भाषा वाला दिक्कत है तो बोलना हमें। चलिए हो गया सबको। एक काम यहाँ पे जो बच्चा नहीं किया कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा कुल गेंदों की संख्या, सही रहेगा? कुल गेंदों की संख्या जोड़ दीजिए, टोटल कितना? पांच है, तीन तीन प्लस कितना? पांच, बराबर कितना? ये लिख लेना बस, ठीक है ना? चलो बढ़िया, आगे सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़िए सवाल में, ठीक है? फॉर्मूला इसमें जरूरी नहीं है, ये जो अभी फॉर्मूला रख के बनाना चाहोगे तो जरूरी नहीं है फॉर्मूला, खास नहीं है फॉर्मूला, कोई काम नहीं। क्वेश्चन बोला है कितना? आठ हो गया, नौ। चलो भाई, एक डिब्बे में पांच लाल है ना, एक डिब्बे में पांच लाल, लाल गेंदों की संख्या, गेंदे ना है बोला है, कंचे, कंचे, एक डिब्बे में पांच लाल, लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या। तू लोग क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, कितना है? हमको क्वेश्चन पता है इसलिए हम नहीं पढ़े थे, चलो पढ़ देते। एक डिब्बे में पांच लाल कंचे, आठ सफेद कंचे और सात हरे कंचे है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादिच्छा निकाला जाता है, यादिच्छा मतलब अचानक, ऐसे ही हाथ डाल के बगैर देखे, ठीक ना? ऐसे डाला बस निकाल लिया, ठीक ना? इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं हो, ठीक ना? चलो पहले संख्या ले, लाल कंचों की संख्या इतना, फिर कथी है भाई? सफेद, सफेद, सफेद मतलब उजला, सफेद कंचों की संख्या है ना, कंचे, कंचो जो भी लिखो, कंचो लिखो ना, सही, कंचे, कंचो, कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या, सफेद कंचे की संख्या कितने है? आठ, और हरा चार, हरे हरा कंचों की कंचे की संख्या, कंचा कंचे जो भी तुमको अच्छा लग रहा है लिख लो, क्या हुआ भाई? चार हुआ, कुल कंचों की संख्या, कुल कंचे की संख्या, कंचे अच्छा ना लगे कंचो करती है। चलो हो गया,
कंचों की संख्या। अब कंचा समझ रहा है भाई, कंचा सब समझ रहा है, गोली की बात हो रहा है। कितना हो गया? अब जो पूछा है तुमसे वो जवाब दे दो। क्या पूछा भाई? लाल हो, लाल हो, कंचा लाल है ना, कंचा कथी है लाल, लाल। तो लाल कै गो है? पांच। घटना बटा दल घटना सब पे जोड़ एक हो गया। दो नंबर सफेद है, सफेद हो है, सफेद है, तो सफेद कै गो है? आठ। गो आठ बटा सत्रह। चलो थर्ड नंबर क्या पूछा? हरा नहीं है तो हरा नहीं है, किन्हें है भाई? ये हरा नहीं है, बाकी तो सब है ना। तो हरा नहीं, नहीं हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो बाकी सब है, तो कितना हो गया? हरा हटा दो तो आठ पांच तेरह बटा सत्रह। चलिए इसको उतारिए। दस चार दस पढ़िए सब। कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, जिसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का इतना है इतना है। चलिए लिखते हैं हम लोग 50 पैसों, 50 रुपए पिग्गी बैंक का जमा, पैसा जमा नहीं करता है, अभी भी करता होगा कहीं कोई कोई, मट्टी वाला करता है, ले ये उठा के सर। एक पिग्गी बैंक देखिएगा 50 पैसे ना, मान लीजिए भाई 50 पैसे ना, 50 है ना पैसे के, 50 पैसे के सिक्कों की कती संख्या कै गो भाई? कै गो है? एक। 50 पैसे के सिक्को 100 दिले है ना, शब्द में दिले 100 गो है, क्या गो है? 100। ठीक है ना, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 1 रुपए का कितना? 50। 1 रुपए के कितना? 50 सिक्के। 1 रुपया के सिक्को संख्या, सिक्को की कथी संख्या कितना भाई? 50। फिर आगे क्या बोला है? 2 रुपया के सिक्को की संख्या कितना है? 20। फिर 5 रुपया के सिक्को, देखो भाषा भी कहीं से उठाना नहीं है, किताबे में से कितना है? 10। बाकी सब सही है ना, गलती नहीं ना लिखाया कोई? हाँ ठीक है। चलो एक नंबर क्या पूछा है? 50 पैसे का होगा ना कुल, हाँ कुल लिख दो पहले, कुल सिक्कों की, कुल सिक्कों की संख्या सबको जोड़ दो। हाँ भाई 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस कितना होगा? 100 50 50 कितना? 180। हाँ भाई चलो आइए एक नंबर जो पूछा है उसको बताओ। सिक्का 50 पैसे का होगा ना, 50 पैसे का हो ना, 50 पैसे का हो राइट, 50 पैसे का हो टोटल 100। घटना बटा दल घटना, 0 से 0 गया, हाँ 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 5 बटा कितना होगा चांस? 9। चलो दो नंबर, 5 का नहीं होगा, तो 5 का नहीं होगा, बाकी सब होगा, ये छोड़ दीजिए तो कितना होगा? 170। 5 रुपये का नहीं होगा ना, चलो तो ये तो हटा दीजिएगा खाली, बाकी कितना 170 बटा कितना? 100 17 बटा कितना? 18। चलिए डालिए। ग्यारह नंबर क्या करा है? 11 नंबर गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती, यानी गोपी कोई है वो अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से कभी खरीदती है मछली खरीदती। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से 1 मछली यदि चाह उसे देने के लिए निकालती है, जैसे क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है?
है ना, यानी एगो दुकानदार है वो मछली बेचता है, तो गोपी को जो है अपना जल पता चले इसमें जल जीव कुंड यानी होता है ना पोषने के लिए रखता है ना सब, तो इसने जो है वो जो गोपी के घर है तो उसमें मछली चाहिए था, मछली डालने के लिए जाता है दुकान दुकान से खरीदता है, तो बोला है कि पांच उसमें कथी है नर मछली है आठ वो कथी है, तो दुकानदार जो है अचानक हाथ निकालता है दुकाता है और ऐसे करके निकाल लेता था, क्या प्रायिकता है कि मछली कथी होगा नर होगा, तो सबसे पहले जो देले उसको लिखेंगे हम लोग लिखेंगे नर मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या कितना भाई पांच, फिर मादा मछलियों की संख्या कितना आठ, ठीक है कुल मछलियों की कुल मछलियों की संख्या कितना हो जाएगा पांच प्लस आठ बराबर कितना आई क्या आई, चलो क्या बोला है भाई क्या बोला है नर मछली हो ना मछली का थी हो नर मछली हो ना नर मछली हो ठीक है ना, तो नर नर क्या को है पांच बट्टा तेरह हो गया या का आंसर आ गया, इसको उतारिए तो उतारिए, और इसके बाद जो है अच्छा ये मछली का जिक्र आया था तो हमारा बायोलॉजी के क्वेश्चन याद आ गया, बताओगे सब कि बताइए कि मछली जो है अपना श्वास क्या चीज से लेता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बोले से पहले ही आंसर रेडी रखो एकदम बहुत अच्छा ठीक, तेरह नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा इसके बाद बारह छोड़िए तेरह इसके बाद, चलिए तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए सब आदमी कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, ठीक है कहने क्या हमें ड्राइवर एक पासे को फेंकिएगा ठीक है ना, जब आप एक पासे को फेंकिएगा तो क्या क्या प्रायिकता सॉरी क्या क्या संभव परिणाम आ सकता है ऊपर लिखिए, क्वेश्चन नंबर तेरह ठीक ना, क्या एक पासे को ठीक ना फेंकने या उछालने पर कभी बोला फेंकने पर बोला है हाँ फेंकने पर संभव प्राप्त कुल संभव परिणाम ऐसे लिखो, एक पासे को फेंकने पर प्राप्त संभव परिणाम प्राप्त संभव है ना परी ठीक ना, जब आप एक पासे को फेंकेगा तो टोटल परिणाम कौन आएगा, एक आ सकता है दो आ सकता है तीन चार पांच छह ये ना आ सकता है, चलिए आगे अब क्वेश्चन क्या कहा है से देखिए इसका एक नंबर ठीक है ना, बोला भाई एक अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या, तो भाई अभाज्य संख्या कौन कौन है इसमें दो तीन पांच क्या हुआ टोटल तीन, घटना बटा दुर्घटना एक मरते क्या मरते दो, खाली आंसर कितना एक बटा दो हो गया, चलिए दो नंबर देखिए बोला दो नंबर दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या ठीक ना, दो और छ के बीच ठीक ना स्थित संख्या हाँ भाई दो और छ के बीच है, हम बोले गोलू और कथी ललित के बीच तो प्रिंस है उसी तरह से दो और कथी के बीच बोला है छ, दो और छ के बीच दो नहीं लेना है छ नहीं लेना है तीन चार पांच क्या वो संख्या टोटल तीन, टोटल क्या वो तीन को बोला से टोटल घटना छ हुआ था तीन कम तीन तीन ना एक बटा इसका भी आ गया, आगे थर्ड नंबर क्या बोला भाई फिर बोला थर्ड नंबर एक विषम संख्या विषम तो एक है और क्या है तीन और ठीक है ना, तो एक कथी हो विषम संख्या ठीक ना, तो कितना तीन को है विषम संख्या इसमें है ना दल तीन को छ टोटल एक मरता एक मरता दो एक बटा तो आपको क्या लगता है संख्या नहीं याद रहेगा सही से तो बन जाएगा इसे क्वेश्चन हर चैप्टर में संख्या कहीं जा रहा है समझ में आ रहा है इसलिए संख्या आना चाहिए तुमको सही से ठीक है, उतारो जल्दी क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा आप चौदह, चलो भाई देखो सब चौदह नंबर पढ़ लिया सब क्या करा चौदह देखिएगा सब आदमी
कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई 52 को पत्ती, कैसा क्वेश्चन है? 14 ठीक है ना। 12 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो एक ताश के कथी में गड्डी में है ना कुल पतियों की संख्या, कुल पतियों की संख्या कितना है भाई? 52 है ना, ये तो पता है सब कुछ। आइए जो पूछा है से एक नंबर कथी पूछा है, लाल रंग का बस्ता, लाल लाल रंग का बादशाह। अच्छा हम लोग जानते हैं पत्ती में दो कलर होता है, एगो लाल और एगो काला। बस्सा टोटल का एगो चार के वाला चार होता है ना, बस्सा टोटल चार गो होता है, दो काला दो गो लाल है ना। तो लाल रंग का बस्सा पूछा था, दो गो तो हो गया भाई है कि ना, दो हो गया लाल रंग वाला और टोटल अब जो पूछा से घटना बटा दो कम दो दो ना चार, अबे कितना बच गया? एक छक बारह, एक बारह कितना हो गया? 26। आगे दो नंबर देखिए क्या बोला भाई, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता है ना, तस्वीर वाला पत्ता ना, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता टोटल का होता है 12 बता देना, चारों गुलाम चारों बादशाह चारों बीवी, टोटल का बीवी एक एक होता है आदमी को बस क्या बोलते इसको क्यू 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 ठीक ना, टोटल 12 बटा कितना हो गया 52, 4 3 12 है ना, 4 1 4 4 3 12 3/13 आंसर भी मिला लेना एक बार है आंसर। चलो तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, तीन बार बोला है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता भाई, लाल रंग दिख रहा है सबको का तस्वीर वाला पत्ता। अच्छा हम जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग कि पत्ती का दो कलर होता है लाल और काला, तस्वीर वाला पत्ता टोटल 12 गो, तो लाल होगा 6 गो तो घटना बटा दल घटना है ना, कैसे कटिएगा? दो के पारा में क्या मर्तबे? तीन मर्तबे। और दो के पारा में ये क्या मर्तबे? 26 मर्तबे। तीन बटा कितना हो गया? 13 नहीं होगा। चलो भाई चार नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी में चार नंबर बोला है पान का गुलाम, हमें पान का गुलाम देखिए, पान का गुलाम, पान का गुलाम भाई पत्ता जो है टोटल क्या 12 का होगा, होगा ना भाई? चलो टोटल 12 को पत्ता में पत्ता के वैरायटी क्या 4 गो है ना, लाल पान काला पान ठिकरी है ना, जिसको पत्ती वाला बोलते हैं ईट, और एक फूल वाला होता है जिसको कथी बोलते हैं चिड़िया। गौर से देखिए हम फिर से बताएंगे, ई हो गया दो तरह के, तो पानी हो गया है एगो, ई बर्फी हो गया है तो ठीक ना, और ई फूल वाला है होगा ना। चलो तो ई चार तरह का पत्ता हो गया, क्वेश्चन में क्या बोला था कि पान का गुलाम, तो पान का गुलाम लालो पानी का होगा और कलो पानी का, पान का गुलाम कैगो समझ आ रहा है सबको? चले पान का गुलाम दो गो बटा टोटल कितना हो गया। अगला क्वेश्चन कै नंबर 5 ठीक से, पान का गुलाम बोला है ना, पान का तो पान का गुलाम दो गो होगा ना, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे आंसर नहीं दे, वही हम देख रहे थे 14 का क्वेश्चन है ना, हाँ तो गलती है, 14 के 4 का आंसर 1/26 होगा, किताब में जो है आपको दिले कितना 1/52 ना, तो गलती है ध्यान रखिएगा ठीक है। चलिए क्योंकि पान का गुलाम पे होगा दुखो ना, लाल पान चाहे काला पान बोले तो अलग बात है, लेकिन पान का गुलाम बोला था लालो पान होगा काला पान भी होगा, सिंपल सी बात है ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या नंबर 5 नंबर इसी का, हुकुम का पत्ता, तो इसको हुकुम भी बोलते हैं शायद ठीक ना, तो टोटल ऐसा पता क्या होगा 13 होगा ना, ईट वाला 13 को पता होता है ना भाई, 13 मान लीजिए हुकुम का पत्ता ठीक ना। अब हम लोग तो ज्वेलरी है नहीं जानकारी होगा है ना, लेकिन मान लीजिए कि ये हुकुम है, जहां तक जानकारी हम लगा पाए हैं तो ये हमको पता चला कि यही हुकुम है ठीक है ना, मान लो तो 13 टोटल होता है जान लो ठीक ना, हुकुम का पत्ता
कौन हमको टास्क के बारे में ज्यादा जानकारी करना है, हमको सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना। हुकुम का पत्ता क्या होता है, टोटल क्या को बावन हो गया, एक पट्टा चार, ठीक है। और है भाई छह नंबर, एक ईट के बेगम, एक ईट के बगम, एक ईट का बेगम, ठीक ना भाई साहब। बेगम की बात किया, टोटल बेगम क्या वो चार गो, बेगम यानी बीबी, टोटल क्या होता है चार गो होता है, तो चार गो ये होगा कथी क्या बोलते हैं ऐसा लाल वाला, एगो ऐसा काला वाला, एगो फूल वाला है ना ऐसा वाला, एगो कथी होता है ईट। तो ईटे का नाम बेगम ईट का बेगम, एगो टोटल पत्ता क्या वो, ठीक है। चलिए कहानी खत्म, तो उतारिये आप लोग, छह क्वेश्चन बन गया है। ये क्वेश्चन जो है पांच नंबर में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए उतार लिया सब, आज चार नहीं उतारा होगा ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, ठीक ना। ये पान का गुलाम बोला है, हालांकि हम लोग जो पढ़े हैं तो क्या दो गो होता है ना, पान दो तरह से होता है ना, ऐसे होगा एगो ऐसे है ना, समझा। पान जो है इस तरह के होता है, सिर्फ पान बोला है, ठीक ना, इसलिए हम जो पान दो को पता होता है ना, तो इसलिए दो बाटा कितना कर दिए बावन, लेकिन आपको गैस उस वगैरह में जो बता रहा है कितना बता रहा है, एक बता रहा है, ठीक है। उतार लो, देखेंगे हम थोड़ा सर्च करके, न जानते ताश में भी उतना ही है पत्ती, पत्ती में तो खतिया एगो पान लेखा पत्ता है, पान जिसे इस तरह का होता है, देखे हुए हैं, देखे हुए हैं पत्ती, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए, ये होगा तो हम शुक्रवार को फिलहाल तक क्या छोड़ देंगे, ठीक है। उतार लो फिलहाल, पूरा उतार लो, होगा तो हम देंगे, ठीक है, उतार लेंगे, गंगा छोड़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर जितना देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 14 हो गया, 15 देखो भाई 15 ताश के पांच पत्तू हटाओ, तो पांच ताश के, अच्छा पांच पट्टा, पट्टा बोले पत्तू, ताश के पांच पत्तू, ईट का दहला, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह प्रकार फेटा गया है, फिर इसके बताइए इनमें से यदि एक पत्ता निकाला जाता है, इसे क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है, ठीक है ना, समझा। यदि बेगम निकल आती है तो अलग रख दिया जाता है, और अन्य पत्ता निकाला जाता है, तब घुमा कुछ ना पूछेगा, इसलिए पंडा छोड़ो 16 देख, देखो ऐसे भी ताश वाला पूछेगा, लेकिन उत्ता ना पूछेगा ताश वाला, कहेगा लेकिन थोड़ा ही ना खेलता है, चलो चलो पढ़ना छोड़िए। 16 देखिए, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, है ना, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन या दृष्टा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की क्या प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कितना 16 यानी 12 को खराब पेन है, वो अच्छा 132 पेन में मिल जाता है, खराब है ना, खराब पेनों की संख्या, खराब लिखे बुआ ए बुआ हंसो मत, खराब पेनों की संख्या क्या को है 12 को है, अच्छे क्या अच्छा पेनों की संख्या, हाँ पेनों की संख्या कितना है 132 132 कुल पेनों की संख्या कितना है, कुल पेनों की संख्या जोड़िए तो 12 + 132 = 144। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा इसमें नंबर वाइज ना दे लेना, देख बोला कि इस मिश्रण में से एक फोन या दिशा फोन ना पेन यादिशा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रक्रिया, अच्छा होने की प्रक्रिया ना, अचानक इसे हाथ घुसा या बस निकाला है ना डब्बा में से, अब अच्छा पेन पूछा है ना, अच्छा हाँ पेन की प्रक्रिया ना, पेनों की प्रक्रिया क्या है, पेन भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, प्रक्रिया शॉर्ट में लिखे तो अच्छा का वो है, घटना टोटल कितना 12 से कटो तो 12 में 12 से 11 गुने 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17
17 देखिए बोला है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब, इस समूह में एक अच्छा एक बल्ब या अच्छा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, है ना। एकदम क्या बोला है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है ना, 20 को बल्ब है तो कुल बल्बों की संख्या दे दिया, कुल बल्बों की संख्या कितना दे दिया 20। क्या नंबर है भाई 17 के ही एक, इसको दो खंड में बांट दिया। ठीक है, आपसे पूछा गया भाई चार खराब क्या हो रहा है भाई, चार खराब यानी खराब बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या कितना चार। पूछा क्या भाई आपसे कि समूह में से एक बल्ब या रिक्शा निकाला जाता है यानी अचानक निकाला जाता है, इसे क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, है ना, बल्ब कभी होगा खराब बल्ब ना, खराब बल्ब। अब भाई खराब बल्ब क्या है, चार टोटल क्या है, एक मरता एक मरते है, एक बटा पांच हो गया। चलो दो नंबर विषय क्या बोला है, बोलो भाई दो नंबर, दो नंबर देखिए उतारने पर मत रहिए, दो नंबर देखिए बोला है मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसमें दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब या दिशा निकाला जाता है, इसे क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, समझा। बोला क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन यह बोला कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ठीक है, तो निकाला फिर दोबारा भी नहीं डाला जाता है तो टोटल बल्ब कै गो झोली में बच गया। अरे बाकी रोल कुछ तो बोल, अरे टोटल बल्ब कै गो था 20 को था, ठीक है ना, तो 20 को बल्ब में से ठीक ना 4 को बल्ब खराब जो है, इसको पता था कि टोटल बल्ब जो 20 बल्ब में से 4 को बल्ब खराब है, तो खराब बल्बों की संख्या बोला है, मतलब अब झोली में से हाथ डाला अब बोला कि अचानक निकाल रहा है तो उसका क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, खराब 4 बटा टोटल कर दी, अब जो निकाला वो कै गो था 4 गो ना है, अब बोला कि निकाला गया जो बल्ब था निकाले गया ना, बोला है मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं और नहीं उसमें दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब या दिशा निकाला जाता है, इसे क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, तो अब जो है जो निकाल लिया बल्ब नौ में से अब बच गया उसी पर जो है आपको पता निकालना है प्रायिकता, क्योंकि निकाला गया बल्ब बोला है कि मान लीजिए खराब न है, खराब न है, अब खराब न है तो बच गया उस बच गया ना बल्ब उसमें से, फिर अचानक जो हाथ डाला फिर निकाला बल्ब, तो क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं। सबसे पहले बल्ब एगो निकाला है ना भाई, उसी का नहीं चांस निकला है, है तो एगो बल्ब निकाल लिया था, टोटल बल्ब का वो था 20 को है ना, तो कुल बल्ब में से क्या निकाला एगो निकाल लिया, क्या बच गया शेष बल्ब का है, शेष बल्ब ठीक ना, तो भाई टोटल क्या था 20 गो था, तो पहले ये वो निकाला था क्या बच गया 20 गो, हाँ अब उसके बाद जो है इसका चांस निकाला कितना 4 गो, खराब बल्ब क्या है 19 गो है ना, 19 गो बल्ब खराब है, इसमें से क्या बल्ब निकाला है 19 गो बल्ब, सॉरी 19 गो टोटल बल्ब बच गया ना, शेष बल्ब 4 गो कथी है, शेष बल्ब 19 खराब बल्ब कितना, खराब बल्ब कितना 4 है ना, अब निकालेंगे हम लोग कथी, अरे रुक जा भाई, खराब बल्ब कितना हो गया 4। चलो तो अब जो है अच्छा बल्ब ना, अच्छा बल्ब जो है कहना बोला था इसमें इसमें कथी निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दोबारा बल्बों के साथ मिलाया नहीं जाता है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब नीचे निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसे क्या लगता है कि बल्ब कथी हो खराब नहीं, तो 19 को बल्बों में से 19 को बल्ब में 19 को बल्ब में से तो 4 को बल्ब निकालेगा ना जो खराब है, हैं 19 को बल्ब में से 4 खराब है, खराब बल्ब कथी है खराब है भाई है ना, तो अच्छा बल्ब क्या हो गया 15 को हो गया। चलिए अब जो पूछा था बताइए कैसे पूछा था आपसे, खराब बल्बों की मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं उसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया गया है, तब शेष बल्बों में से एक बल्ब या रिक्शा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है, खराब नहीं है मतलब यही है ना बल्ब खराब नहीं है,
बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है, खराब नहीं है, कैगो टोटल बल्ब कैगो है, ठीक है खराब बल्ब खराब नहीं है, क्या बोला खराब बल्ब खराब नहीं, खराब नहीं है चाहे खराब बल्ब नहीं है, वही बात है ना, खराब बल्ब नहीं है, रहने दो समझना है, खाली हिंट देना है, ओके चलिए और क्वेश्चन देखिए, तब उतारिए तब तक आपको चलो समझिएगा, टोटल बल्ब जो शुरू में एक नंबर में क्या था, 20 को था ना, है चलो तो एक बार जो है निकाला बल्ब, तो एक ही बल्ब निकालेंगे ना, चार से निकला था ही कथी हो खराब बल्ब ना रे, यहाँ लिख देना भाई, यहाँ पी मिट गया था ना, है खराब बल्ब, तो एगो निकाला उसमें से खराब बल्ब की कथी आपसे पूछा था पाइता ना, एगो निकाला उसी ने खराब का, उसी का ना चांस निकला था खराब वाला का चांस, एगो निकाले उसका चांस निकाल लेता, टोटल खराब का था चार है ना, टोटल बल्ब का था 20 को, एक बटा कितना हो गया 5, अब भाई एक ही को बल्ब निकालने का चांस था, है तो टोटल जो है टोटल 20 में से एगो निकाल दिया, कैगो बच गया शेष, 19 को शेष बल्ब बच गया, खराब बल्ब कैगो था 4, 19 बल्ब में से 4 वो खराब बल्ब थी ना, खराब खराब यही कह रहा था ना, 4 19 को बल्ब में से 4 वो कहे खराब बल्ब है कि ना, अच्छा बल्ब कैगो हो गया 15 को हुआ ना भाई, 19 को टोटल बल्ब है जिसमें से 4 खराब है, कैगो बल्ब बचा, अच्छा 15 को, ठीक है ना, अब देखो आपसे पूछा खराब नहीं है, खराब नहीं है कैगो, टोटल बल्ब कैगो हो गया, अब इसमें कभी समझाए अगला कुछ लिखा बोले है देखने के लिए, 18 देखिए, 18 नंबर पढ़िए सवाल में, 18 नंबर सवाल में पढ़िए, 18 नंबर सवाल में पढ़िएगा, चलिए कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक अंक संख्याएं अंकित है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क की अधिकता निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, 1 पूर्ण संख्या, 1 पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाजित संख्या, ठीक है ना, क्वेश्चन समझिए पहले, कथी है भाई एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर, यानी डिस्क मानो कोई तो कुछ होगा मानो उस पे जो क्या है 1 से लेकर 90 तक अंक है, एक पर एगो है, एगो पर कथी है 2 है, एगो पर 3 है, एगो पर 4 है, एगो ऐसे कहाँ तक है 90 तक अंक उस पर अंकित है, ठीक ना, तो हमसे पूछा क्या भाई, पूछा क्या है टोटल, सबसे पहले तो लिखो कुल है ना भाई, कुल संभावित संख्या, कुल संभावित संख्या, संभावित संख्या कितना दिले है 90 है ना, अब जो पूछा है वो देखो, एक नंबर क्या पूछा है वो 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, तो ए में से 2 अंकों की क्या वो संख्या होगा बताओ, 2 अंकों की क्या वो संख्या होगा, 10 को हटा दो, 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हटाना पड़ेगा, तो 2 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 81 को, तो बोला है एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक अंक अंकित है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क की अधिकता निकाली जाती है यानी अचानक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि इस डिस्क पर अंकित अंक 1 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक ना, टोटल कितना भाई 81 को है, सॉरी 2 अंकों वाला 81 होगा, टोटल कितना है 9 9 81 9 10 9 9 कितना 10 हो गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या कथी, एक पूर्ण वर्ग संख्या 2 नंबर पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, अब भाई तो पूर्ण वर्ग संख्या ऐसा नहीं है क्या, इतना पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कथी, जिसका जो पूरा पूरा किसी का कथी वर्ग हो, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या कहाँ से शुरू करेंगे 16 है, 4 भी है, 4 16 25 ये ना भाई, और क्या है 36 ठीक है ना, 36 64 इससे पहले नहीं ना, 64 के बाद कितना 81 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8
हाँ भाई सही बोला उनचास 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 के बाद चौसठ और इक्यासी सही बोला दुर्गा। एक दो तीन चार पाँच छ सात टोटल घटना सात को है ना ये बोला उसके अकॉर्डिंग टोटल जो है कितना सात बटा नब्बे एक बटा तो हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं हाँ भाई नौ भी छुड़वा दिया और देखो एक एक, एक से लेकर हाँ एक होगा नौ होगा सही बोला अच्छा चार छोड़ दिए एक चार और नौ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ सही है नौ आवाज आ गया नहीं कम नौ एक मतलब दस ना एक बटा दस ठीक है समझा गया ना ये समझने के लिए लिख सकते हो भाई ओके। और तीन नंबर में क्या बोला था पांच से विभाज्य संख्या तो पांच से विभाज्य संख्या कथी पांच से विभाज्य संख्या तो पांच से विभाज्य संख्या कौन होगा पांच से पांच हो गया दस यानी पांच हो गया दस हो गया पंद्रह बीस पच्चीस है ना बीस पैंतीस चालीस पैंतालीस पचास पचपन और साठ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह को टोटल हो गया टोटल घटना अठारह नब्बे एक बटा ठीक है ना समझा गया ना ये सब समझने के लिए लिख सकते हो एग्जाम में ना लिखना कोई दिक्कत नहीं और है ये खत्म। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे कितनी उतारिये चलिए भाई अगला क्वेश्चन उन्नीस नंबर उन्नीस नंबर एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फल को पर निम्नांकित अक्षर अंकित है यानी पासा पर एक दो तीन चार पाँच छह होता है ना एक बच्चा के पास ऐसे नजर पर ए बी सी डी अंकित है इस पासे को एक बार फेंका जाता है इसे क्या पढ़ता है कि ए प्राप्त हो डी प्राप्त हो है ना है ना तो एक पासे को फेंकने पर ना फेंकने पर संभावित संभावित परी इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे ठीक ना इसके अकॉर्डिंग कहती है ए है ना भाई बी है भाई सी डी ए और एक बच्चे के पास ऐसा पास है जिसके फल को परिमाणित अक्षर अंकित है सब में ए दले है सब में ए ना है तो क्या दिक्कत है सब में ए ना है ठीक है आगे देखो इस पासे को एक बार फेंका जाता है इसकी क्या प्राप्त है कि ए प्राप्त हो ए प्राप्त कथी हो ए प्राप्त हो एक नंबर है ना तो ए क्या वो है टोटल क्या वो देखो आंसर है इतना पहले तो सही है अगला दो नंबर डी डी प्राप्त हो ना डी प्राप्त क्या नंबर था ये दो और ये था एक नंबर डी क्या को भाई टोटल ओके चलो लास्ट क्वेश्चन देखिए इक्कीस नंबर देखो भाई इक्कीस देखिए बाद में उतार लीजिए एक चौवाल एक सौ चौवालीस बॉल पेनों के एक समूह में बीस बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे है आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छे है परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे दुकानदार इन पेनों में से यदिच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है शिक्षा प्रयता है कि ठीक ना तो आप जो है समझो टोटल पेन कितना है एक सौ चौवालीस है ना उसमें से कुल खराब पेन कितना है अच्छा लिखिए है ना बॉल पेन ना कुल बॉल पेनों की संख्या ना कुल बॉल पेनों की कथी बॉल पेनों की पेनों की संख्या कितना है भाई एक सौ चौवालीस आगे क्या बोला भाई जो फिर बोला है बीस बॉल पेन खराब है खराब बॉल पेनों की
संख्या बताइए कितना है? तो अच्छा बॉल पेन ना निकलेगा, अच्छा बॉल पेनों की संख्या टोटल में से खराब वाला घटा दो 44 है ना भाई, कितना देगा था 100। अब तुमसे जो पूछा बता दो, वह पेन सॉरी आप वह पेन खरीदेंगे क्या नंबर है? एक नंबर। आप तो निम्न ने खरीदेगा, हाँ तो निमन खरीदेंगे तो आप वह पेन खरीदेंगे ना, आप वह पेन खरीदेंगे खरीदेंगे। क्वेश्चन पढ़ा है ना सही से? बोला है कि आप निमन पेन खरीदते हैं, ठीक ना, इसलिए हम पूरा भाषा नहीं लिखे हैं। आप वह पेन पढ़ लिखा ठीक ना, वो थोड़ा सही से लिखना, आप साफ सुथरा नहीं लिख रहे हैं। पेन खरीदेंगे तो आप तो निमन के खरीदेगा, तो निमन का टोटल क्या होगा भाई? 124। टोटल पेन कितना है? 144। 12 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा ना, 4 तिहाई 12 चले कम 4 है भाई, 4 तिहाई 12 दो बज गया, 4 6 24 कितना हो गया आंसर? 31/36। एगो तो ये आंसर हो गया। दूसरा देखिए, आपसे बोला कथी आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे मतलब कथी खराब वाला, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे ना, तो आप कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? खराब वाला। खराब वाला टोटल क्या है? 144 टोटल ना भाई, 4 5 4 6 24 मतलब कटा है ना, अभी तो कटा है 5/5 कितना 36 हो गया भाई। और है चलो तो एक्सरसाइज यहाँ पे हम लोग करेंगे, नहीं एक बार कुछ देख लेंगे, चलिए चलिए ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर कितना? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन बोला थी एक पासे को दो बार फेंका जाता है, इसी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, है ना? चलो समझो, एक पासे को दो बार फेंको, ठीक है ना, चाहे दो पासे को एक बार फेंको, बात कथी है, ठीक है ना। चलो तो कथी क्वेश्चन में बोला है तुमको, बोला है कि एक पासे को दो बार फेंका जाता है, लिखेंगे क्या नंबर है? 24 नंबर। एक पासे को ना, एक पासे को दो बार फेंकने पर, है ना, फेंकने पर कुल संभावित संभावित परिणाम, ठीक ना, क्या होगा? से देखिए गौर से समझिएगा, इधर लिखे हम नीचे, देखिए एगो पासा ये हो गया, एगो ये हो गया, इसको फेंका फिर इसको फेंका, तो मान लीजिए कि एक एक आया है ना, फिर एक दो आया, फिर एक तीन आया, फिर एक चार आया, फिर एक पांच, एगो पर एक एगो पर पांच, फिर एगो पर एक एगो पे छह, ठीक है ना, फिर एगो पे दो एगो पे एक, फिर एगो पे दो एगो पे दो, फिर एगो पे कितना? दो और तीन आया, फिर दो और कितना आया? चार, फिर दो और कितना? पांच, है ना, फिर दो और कितना? छह, फिर देखिए एगो पर तीन और कितना आया? एक, फिर तीन और कितना आया? दो आया, अबे फिर दो और कितना आया? सॉरी तीन और कितना आया? तीन, फिर तीन और कितना आया? चार, फिर तीन और कितना? पांच, फिर तीन और छह, है कि ना? फिर देखिए चार और कितना आया? एक, फिर चार और कितना आया? दो, फिर चार और कितना? तीन, फिर चार और चार आया, फिर चार और पांच, फिर चार और छह, ठीक है ना, फिर पांच और कितना आया? एक, फिर पांच और दो, फिर पांच और कितना? तीन, फिर पांच और चार, फिर पांच और पांच, फिर पांच और छह, फिर कितना आया? छह और एक आया, छह और दो आया, छह और तीन आया, छह और चार आया, फिर छह और पांच, छह छह, फिर छह और फिर लिख दो छह छह और भाई लगता है, ठीक है, समझा ना? यानी जब दो पासा को एक बार फेंकेंगे, चाहे एक पासे को दो बार फेंकेंगे, तो संभव परिणाम टोटल कितना? स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर देना कितना गया? 36 आ गया ना,
यानी ओकर परिणाम क्या करना है उसको स्क्वायर करना है। जैसे एक सिक्का को एक बार उछाल देते, एक सिक्का को उछालने पर एक सिक्का को एक बार उछालने का परिणाम दो स्क्वायर करोगे, ठीक ना, दो बार उछालोगे तो कितने करो स्क्वायर कर दो, एक बार उछालोगे तो जितना बार करा ऊपर घात बढ़ाते चल जा, एक बार बुलाते एक घात दे दो, दो बार बोलते दो, तीन बार उछाले तो बोलता चार बार बोलता, उसे परिणाम पर कथी करना है आपको घात बिठा चल जाना। उसी प्रकार से हम जानते हैं पासे को फेंकेगा तो एक बार फेंके तो क्या होगा परिणाम छ, एक बार फेंकने पर एक घात, दो बार फेंकेगा दो घात, तीन फेंकेगा समझा रहा है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग एक पासे को दो बार फेंके है ना, कितना 36 परिणाम आना चाहिए, गिनो 36 को है, गिनो वर्ष से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सबके सामने सामने 1 2 3 4 5 6 समझा गया ना। आइए क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन पांच किसी भी बार में नहीं आएगा, तो पांच जहां जहां है नहीं लेना, बाकी सब लेना है। आइए भाई तो गौर से देखो, एक पांच कहां कहां है, जहां जहां पांच है वो नहीं लेना है। एक तो ई नहीं लेना है, ई नहीं लेना है, ई नहीं, ई नहीं, ई नहीं, और फिर देखो ई गया, ई गया, ई गया, ई गया, और है नहीं होगा, और पांच वाला नहीं होगा, गिने तो एक दो, एक में छह होता, सात को, आठ को, नौ को, दस को, और कहीं नहीं ना, टोटल क्या हो गया 11 को। तो एक नंबर में क्या बोला था, एक नंबर में क्या बोला था, किसी भी बार में नहीं आएगा, किसी भी बार में नहीं आएगा, कौन थी पांच, पांच किसी भी बार में, पांच किसी भी बार में नहीं आएगा। भाई तो क्या हुआ है, टोटल 11 हुआ है ना, तो 36 में से 11 घटे कितना आएगा, 35, 35 ना आएगा भाई, 25 सर, 25, 25 सर, टोटल क्या हुआ है, ठीक है ना, 25 नहीं आएगा, आप सही है ना, वो तो हो जाता है मिस्टेक में, मेरा ये आंसर है इतना, 25 बटा 36, दो नंबर समझिए, दो नंबर समझो सर, क्या बोला है, पांच कम से कम एक बार आएगा, यानी पांच दो बार है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक को बार आना चाहिए। तो कै गो था पांच वाला, 11 को था ना, है 11 को था ना, पांच वाला कै गो होगा, हाँ तो पांच कम से कम, पांच कम से कम एक बार आएगा चाहे हो, क्या लिए आएगा चाहे हो, टोटल 11 को है ना, बोलो भाई समझ में आया। और अब इसमें जितना में गेस में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तर ये लघु उत्तर जो भी दिले पूरा को बना लेना, कहानी आपका खत्म हो जाएगी चैप्टर का, ठीक है, चलो।